अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तीन तरीके के पकोड़े, पनीर के पकोड़े बनाएंगे हम। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े से मोटे पीस भी काट कर रख सकते हैं। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और यहाँ पे मैंने मिर्ची ले ली है मोटी वाली, दो से तीन तरीके की मोटी मिर्ची आती है, आप चाहें तो इसे मोटी वाली भी ले सकते हैं, इस साइज की भी ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा मोटी मिर्ची ले रहे हैं तो उसको बीच से उसमें कम से कम तीन से चार टुकड़े कर लें। यहाँ पे हम इतनी मोटी मिर्ची ली है, हमने सिंगल ही रखा है, मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं। आपको अगर तीखा नहीं पसंद है ज्यादा तो आप इसके बीज हटा सकते हैं। तो इसको मैंने धोकर अच्छे से इसमें चीरा लगाकर रख लिया है साफ करके, और इसके लिए मैंने ये दो कप बेसन लिए हैं। इसमें हम डालेंगे चार से पांच टेबल स्पून चावल का आटा, इससे जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेटर हम एक बनाएंगे और इसी बेटर से हम दो से तीन तरह के पकौड़े बनाएंगे, बस लास्ट में जब हम प्याज का पकौड़ा बनाएंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन बड़े साइज के प्याज, इसको रफली चॉप कर लिया है, जरूरी नहीं है कि बहुत बारीक हो या जरूरी नहीं बहुत मोटा हो, ऐसे हमने काट लिया है। तो सबसे पहले हम अपना बेसन घोल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा मिक्स कर दिया है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे दो चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। अगर आप सोडा नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। यहीं पर हम डाल देंगे एक चम्मच के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर से, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों का। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को, फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप चाहें तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं, आप चाहें तो विस्कर का की मदद ले लें। तो इसके हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे बेसन कितना गाढ़ा है। देखिए मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। मिर्चे और पनीर के पकौड़ों के लिए हमें बहुत पतला बेसन नहीं चाहिए, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसमें करीबन 1 गिलास के करीब पानी लग गया है। अब इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है 3 से 4 मिनट के लिए, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम अपने मिर्चे और पनीर में मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च और नमक भी लगा सकते हैं, और चाहें तो चाट मसाला भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे चाट मसाला पाउडर, इस तरीके से हम ऊपर से छिड़क देंगे और हल्का हल्का हाथ से हम इसको रफ कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाला जो है चिपक जाए। इस तरीके से जब हम पकौड़े खाएंगे तो वो सिंपल नहीं लगेंगे, अंदर से थोड़ा सा मसाले का टेस्ट आएगा। तो दोनों तरफ से हम अच्छे से मसाला लगा देंगे इसमें इस तरीके से। अगर पनीर पनीला है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें तरीके से। तो सारे क्यूब्स में अच्छे से हम मसाले को लगा लेंगे। सारे पनीर में हमने चाट मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हरी मिर्च ले लेंगे हम अपनी, आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मसाला भर दें तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और मिर्चे चाहें तो आप इसके बीज भी निकाल सकते हैं, हमने नहीं निकाले हैं। इस तरीके से हम सारी मिर्चों में चाट मसाला भर देंगे, बहुत ही मजेदार पकौड़े बनकर तैयार होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सारी मिर्चें हम अपनी भरकर तैयार कर लेंगे। हमने पनीर में भी मसाला लगाकर तैयार कर लिया, अपनी मिर्चों में भी मसाला भरकर तैयार कर लिया है। इधर हमारा बेसन भी फूल कर अच्छे से सेट हो गया है, तो हम अपने पकौड़े बनाएंगे। बेसन भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया, तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है, मीडियम आंच पर मैंने इसको गरम कर लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने मिर्ची के पकौड़े। इस तरीके से मिर्ची लेंगे,
और हम इसको डिप करेंगे और इस तरीके से हम झुकाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा बेसन होगा वो निकल जाएगा बाहर। इसी तरीके से हम सारी मिर्ची अपनी ऐड कर देंगे। इसमें जो हमने मसाला भरा है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है मिर्ची खाने में। अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको उलट पलट कर अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब मिर्चों को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि हर तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। और आंच मैंने मीडियम कर दी है। मिर्चों को हमने अच्छे से उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। मिर्चें हमारी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो बाहर निकल जाए। और बाकी की बची मिर्चें हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा फिर अच्छे से गर्म हो गया है। इसी तरीके से हम और मिर्चें फ्राई कर लेंगे। जब हम चावल का आटा डालते हैं किसी भी पकौड़े में तो बहुत देर तक वो क्रिस्पी बने रहते हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बहुत आसानी से किसी भी किराने शॉप पर मिल जाता है, तो आप जरूर रखें चावल का आटा, या तो फिर मोटे बेसन का बनाएं, उससे भी काफी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो ये मिर्चें भी हमारी फ्राई हो गई, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे ये वाले भी मिर्ची के पकौड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम बनाएंगे अपने पनीर के पकौड़े। तेल को हमने दोबारा मीडियम गरम कर लिया है। अब हम बनाएंगे अपने पनीर के पकौड़े। तो उसी तरीके से हम एक क्यूब लेंगे इस तरीके से और डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा उलट पलट कर इसको भी हम अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आंच मैंने मीडियम कर दी। जब लगे आपको कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर एकदम तेज गर्म तेल पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो वो कलर अच्छा आएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे पकौड़े हमारे। पनीर के पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं। 4 से 5 मिनट लग जाता है एक बार के पकौड़े फ्राई करने में मीडियम आंच पर, तो इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए पनीर भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दूसरी बार के हमारे पनीर के पकौड़े ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा बैटर बच गया है थोड़ा सा, इसमें मैंने थोड़ा 1 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा और डाल लिया है। इसमें हम थोड़े से मसाले और ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें काट कर डाल ली हैं, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च डाल ली है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक और डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज के पकौड़े बनाएंगे हम अपने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। हम मिला लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से।
प्याज के हमें पकौड़े के लिए जो बेटर हम तैयार करते हैं उसको हमें ज्यादा देर नहीं रखना है, बस फटाफट से मिलाकर इसको हमें बनाना रहता है, नहीं प्याज जो है अपना पानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से हम साथ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म है, हमने गैस कम कर दी थी, अब फिर से मैंने गैस तेज कर ली और इसको गर्म कर लिया अच्छे तरीके से। अब इस तरीके से हम पकौड़े उठाएंगे और डालते जाएंगे, हमें इसमें कोई शेप नहीं देनी होती, प्याज के पकौड़े बिना शेप के ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो आंच मैंने फिर से मीडियम कर दी है, इस तरीके से हम अपने पकौड़े डाल देंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। प्याज के पकौड़े भी हमारे थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम उलट पलट कर अच्छा गोल्डन कलर आने तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए, इनको भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और एक बार हम फिर से तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के जो प्याज के पकौड़े हमारे बचे हैं वो फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। दूसरी बैच के भी हमारे पकौड़े फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, अब इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे तीनों तरीके के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, ये मिर्ची के, ये पनीर के, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी तैयार हुए पकोड़े हमारे, ये हमारे प्याज के पकोड़े, ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं या टी टाइम भी बना सकते हैं, या जब भी आपका चटपटा खाने का मन करे तभी ये पकौड़े फटाफट बनाकर खा सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में जरूर करके बताएं कि हमारे पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसको हरी चटनी या सॉस के साथ भी या अपने मनपसंद कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।